फर्स्टली गाइस वेलकम टू आईडब्ल्यू अंबास, बिग बिग कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। एक्साइटमेंट कितना है आफ्टर विनिंग अ चैनल ट्रॉफी? बहुत ही ज्यादा, बिकॉज बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, सो बहुत ज्यादा खुश हैं हम लोग अभी भी। ओके, गुंजन और तेजस, मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी, जब आप दोनों कंपटीशन में आए, आपको लगा कि हम पीछे हो जाएंगे बिकॉज हम छोटे हैं, हम कैसे कॉम्पीट कर पाएंगे बाकी कंटेस्टेंट से? ऐसा कुछ नहीं सोचा हम लोगों ने, ये मतलब सोचा तो नहीं था कि हम पीछे होंगे, बट थोड़ा थोड़ा बहुत होता है, पर ऐसा तो नहीं था पीछे होंगे, क्योंकि उतना मतलब कॉन्फिडेंस था, उतना हम लोग मतलब प्रैक्टिस, क्योंकि जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते थे और जो हमारा एक्ट रहता था, हमेशा हमको फुल मार्क्स मिले हैं, तो उस हिसाब से तो हम लोग का भी एकदम अच्छा था और बाकी लोगों का भी। हम लोग शो जीतने के हिसाब से नहीं आए थे, बिकॉज ऑलरेडी इतने बड़े बड़े सेलेब्स है, तो उन्होंने जीतने का होप छोड़ दिया था। हम लोग का सिर्फ ये एक एम था कि हम लोग का बेस्ट परफॉर्मेंसेस देते जाए और बाकी सब जनता और जजेस पे है, सो हम लोग से हम लोग का काम करते गए। एंड ऑफकोर्स हम लोग ने परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं छोड़ी, हम लोग को हर एक परफॉर्मेंस में फुल मार्क्स मिले, स्टैंडिंग ओवेशन मिला है, बट फिर भी हम लोग का जीतने का होप्स बिल्कुल भी नहीं था। एंड जब वो रिजल्ट आया तभी हम लोग बहुत ही ज़्यादा, अगेन एज आई सेड, बहुत ही ज़्यादा शॉक थे और बहुत अनएक्सपेक्टेड था रिजल्ट। सब लोग ने गुंजन और तेजस को एज अ कॉम्पिटिटर माना, आप लोगों के लिए कौन कॉम्पिटिटर? हम लोग के लिए वैसे देखा जाए तो बहुत सारे लोग कंपटीटर्स थे, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ द डांसिंग, बट बिकॉज ऑल्सो उनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, सोशल मीडिया पे इतना फेमस है, कोई टीवी आर्टिस्ट है जैसे रुबीना होगी, फैजू हो गए जो हमारे टॉप थ्री में थे, सो आई गेस आई वुड टेक देम एज अ कंपटीशन। एंड आई गेस आई डोंट थिंक सो गुंजन के लिए कोई कंपटीशन था यहाँ पे। नहीं, कोई तो होगा मतलब ऐसा कोई नहीं था, सब लोग एक ही ऐसे थे, हमने भी उतना प्रैक्टिस कर रहे थे, बाकी भी कर रहे थे, सब लोग, सबका कभी परफॉर्मेंस होता है अच्छा, कभी नहीं होता है, सबका इक्वल ही रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं था, बस अपना बेस्ट देना है, जितना हम कर सकते हैं उतना पूरा करना है, जो हमने आज परफॉर्मेंस दिया है, अगला परफॉर्मेंस ट्राई करना है उससे और अच्छा हो, ताकि हम लोग और ग्रो करते रहे और आगे बढ़ते। आप दोनों के लिए कौन सा चैलेंजिंग परफॉर्मेंस था? सबसे पहले डार्लिंग, उसके बाद जैज, और उसके बाद लाबनी, और उसके बाद वो अरिंद पुष्पमाल। मेरे लिए था हम्मा अम्मा था, क्योंकि उसमें जैसे जो हमारा कॉन्सेप्ट था उस हिसाब से, जो भी जब भी ऑफ काउंट पे डांस करना था, हम लोग को कुछ गाना नहीं सुनाई देता था, हमको माइंड में हम लोग के काउंटिंग रखनी थी 5, 6, 7, और उसके ऊपर डांस करना था, और इतने सारे लोग शोर कर सकते हैं, जैसे हमेशा चीयर्स करते, तो फिर डिफ़िकल्ट था, क्योंकि उनकी आवाज़ और हम लोग को ध्यान नहीं हटाना था, अगर थोड़ा सा भी ध्यान हट गया काउंटिंग से और स्टेप गलत हो गया, तो फिर जो हमारा कॉन्सेप्ट था उसका कुछ मतलब ही नहीं रहता, तो उतना ही बार गाना सुनना, जो बीच बीच के गैप्स है उसको पूरा, हाँ, छोटे जो छोटे छोटे गैप्स है उस, छोटा बोल, फटफट बोलर, अच्छा, तो फिर उस हिसाब से करना तो डिफिकल्ट था। सागर, आपके लिए नया परफॉर्मेंस लाना, एक द न्यू टच, वो कितना चैलेंजिंग था, कितना वो भी बच्चों के साथ करना? इट वॉज़ ऑल द वे मोर चैलेंजिंग, बिकॉज दोनों ने काफ़ी रियलिटी शोज़ किए इसके पहले, तो लोगों ने दोनों को देखा है डांस करते हुए, बट दोनों को साथ में उनका इक्वली अच्छे से इस्तेमाल करना एज अ कोरियोग्राफर मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई थी। स्टार्टिंग में 2-3 एपिसोड्स थोड़े से मार्क्स वाइज नहीं, बट एज अ कोरियोग्राफर थोड़े से टू फाइंड दैट स्टेबिलिटी थोड़ा टाइम गया, बट एक बार वो स्टेबिलिटी अगर मिल गए तो उसके बाद मेरा वही था कि इनके अलग अलग स्टाइल्स, इनके अलग अलग रूप अवतार, कभी उनको भाई बनाया, कभी उनको बहुत फनी वे में इसको टकला कर दिया था, एंड कभी कभी हम लोग ने ऐसा, हाँ मतलब अलग अलग जोन्स ट्राई किए, सो आई गेस उस पर हम लोग को खरा उतरना था बहुत ज़्यादा। आप दोनों के फेवरेट जज कौन है? मेरी माधुरी मैम है। मेरे पहले नोरा मैम है, फिर माधुरी मैम है, फिर करण सर है। आप दोनों ने काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस दिए, लेकिन आपके लिए आपका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सा था, और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग के साथ साथ मज़ा भी आया वो परफॉर्मेंस को लेकर? अप्सरा। सब परफॉर्मेंस अच्छा था, पर सबसे ज़्यादा मज़ा मेरे को जो हम लोग का भी रिसेंट एक्ट हुआ ना चतुर्नार,
उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि वो एक्ट इतना अच्छा था, इतना उसमें फन एलिमेंट्स थे और मैं टकला भी बन गया था, तो उसके साथ डांस करना और ख़ुद को ही देख के मैं इतना हंस रहा था और एक्सप्रेशंस बनाना, तो बहुत मज़ा आया। एक्ट करते समय भी जब ऑडियंस हमको चेयर्स कर रहे थे तो एक एनर्जी आ रही थी और हम लोग ने पूरा मज़े में किया वो एक्ट। और बिहू भी, बिहू में नाचने में भी बहुत मजा आया, वो मेरा बिहू इसका कल्चरल एसएमएस स्टाइल है, सो हमने वो और आफ्रो एक बहुत ही इंटरनेशनल स्टाइल मिक्स किया था, दोनों का मिक्सचर भी बहुत अच्छा था। साधन आपके लिए इन दोनों पे अच्छे से फोकस करना कितना मुश्किल रहा और इनको अच्छे से डांस परफॉर्म करना, बिकॉज दोनों ही चंचल है तो दोनों को कॉन्सेंट्रेट करके डांस कराना कितना मुश्किल था या थैंक गॉड तेज 13 साल का है, अगर ये भी 7-8 साल का होता था तो मुझे आई गेस मैं बीच शो क्विट कर देता था, मतलब दोनों को इक्वली उतना संभालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था, बिकॉज अगेन दोनों बच्चे हैं, वो लोग एक टाइम तक ही सीरियस रहेंगे, उसके बाद वो लोग मतलब अगेन लाइक उनको भी मस्ती चाहिए, उनको भी मस्ती मजाक का चाहिए, तो वो माहौल बनाए रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, उनको ऐसा काम काम नहीं लगना चाहिए ताकि फिर उनका भी दिल नहीं लगेगा, सो मी एंड माई टीम वी मेड श्योर कि वो बैलेंस बनाए रखे, सो इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट बट इट वॉज वर्थ इट। मैसेज मैं सिर्फ यही देना चाहूँगा कि जैसे हम लोग ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था वैसे, सबसे पहले तो थैंक यू इतना सारा प्यार और सपोर्ट और वोट्स देने के लिए, आपके वजह से ही आपका बहुत बड़ा हाथ है हम लोग के पास, ये ट्रॉफी और ये चेक है, एंड आई जस्ट वांट टू से कि डोंट लूज होप कि जैसे हम लोग के साथ लाइफ फ्लिप हुआ है, टर्न हुआ है बहुत अनएक्सपेक्टेड टाइमिंग पे, आपके साथ भी हो सकता है ये, जैसे हम लोग ये शो एक्सपेक्ट नहीं करके आए थे कि हम लोग जीतेंगे और हम लोग ये जीत गए, सो डोंट लूज होप गाइस, कीप वर्किंग हार्ड, तो कुछ बोलना है Same. Yes, guys. Thank you so much, guys, and all the best. Thank you so much. Thank you.